बड़ी खबर देते हैं। जयपुर के सहकार मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है, कई वाहन आपस में भिड़े हैं। ये बड़ी जानकारी, जयपुर का सहकार मार्ग जो कि एक रिहायशी इलाके के रूप में भी प्रख्यात है, लेकिन यहां इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें फॉर्स इंडिया पर देखिएगा। सहकार मार्ग पर बड़ा हादसा और देखिएगा कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आगे का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया है। कार का एक एक पुर्जा बाहर निकलकर दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई वाहन हैं जो आपस में भिड़े हैं और मौके पर लोगों की भीड़ जुटी है। समझने की कोशिश की आखिरकार ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। बुरी तरह से कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। यही उम्मीद है कि किसी तरह की जनहानि इस रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई होगी, लेकिन कई वाहन के आपस में भिड़ने की खबर। और देखिएगा, पहला आपने देखा एक काली कार दिखाई दे रही है, फिर उसके पीछे सफेद कार और फिर एक कार। देखिए किस तरह से ये पूरी वाहनों की रेल तैयार हुई है, एक के पीछे एक, दूसरे के पीछे तीसरा वाहन, एक के बाद एक टकराए है। और इसी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है सहकार मार्ग पर। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हादसा किस वजह से हुआ है, किसकी गलती है, क्या तेज रफ्तार ये वाहन दौड़ रहे थे सहकार मार्ग जैसे इलाके पर, जहां पर आसपास रिहायशी इलाका तो है ही, साथ ही साथ व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी होता आया है। ऐसे में ये खास तौर पर कहा जाता है कि इस मार्ग से जब आप निकले तो अपने वाहन की रफ्तार को धीमा रखें, ताकि आने जाने वाले लोगों को और किसी की जान को नुकसान ना हो, कोई घायल ना हो, किसी की जान यूं ना जाए। लेकिन आप देखिएगा, ये पहली तस्वीर काली कार की, फिर दूसरी तस्वीर सफेद कार की आपको दिखाई, कार के भीतर का नजारा भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिएगा जो एयरबैग्स है वो खुल गए, मतलब टक्कर कितनी तेज थी, स्पीड कितनी तेज थी, वो अंदाजा आप तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। चलिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए अधिक जानकारी देने के लिए। सत्यनारायण, तस्वीर देख करके हम हैरान हो रहे हैं, जो स्थितियां इन कारों की हुई है, आप बताइएगा क्या हुआ था, कब हुआ, कैसी स्थिति वहां लोगों की। देखिए, कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है, एक के बाद एक गाड़ी आपको टकराई है। सबसे बड़ी बात यह कि आगे आगे जो गाड़ी चल रही थी उसने अचानक ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद के अंदर पीछे जो गाड़ियां थी लगातार उस गाड़ियों में लगातार एक के बाद एक बीती नजर आई, और क्योंकि ब्रेक संतुलन नजर सके उसके बाद में घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, क्रेन मौके पर पहुंच चुकी है, और क्रेन की मदद से जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन है उनको सड़क किनारे किया गया। राहत की बात यह है कि इसमें जो घायल हैं, ज्यादा व्यक्ति घायल नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई है। लोग आपस में समझाइश कर रहे हैं जिससे कि झगड़ा न करे और शांति व्यवस्था खराब ना हो सका। सत्यनारायण, करीब कितने वाहन थे और कितने लोग सवार बताए जा रहे हैं इन सभी वाहनों में? देखिए, करीबन 5 से 7 गाड़ियां हैं, और इसके बाद लगातार एक दुर्घटना है, उसके बाद में लोग नीचे उतरते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन लोगों को समझाइश से अब जो है माहौल शांत हो चुका है। जिस व्यक्ति की गलती थी उसने अपनी गलती मानी कि हाँ मेरे अचानक ब्रेक लगाने से गलती हुई है और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। फिलहाल लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी गाड़ी में ज्यादा नुकसान हुआ हो तो बैठ कर वो सीधा। बिल्कुल, और SUV गाड़ियां भी इनमें दिखाई दे रही है। सत्यनारायण, ऐसे में अभी मौके पर क्या स्थिति है, कौन कौन पहुंचा है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जैसा कि हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर बता रहे थे, एक के बाद एक 5 से 7 गाड़ियां भिड़ी हैं और किस तरह से ये वाहनों की रेल आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि हल्की मामूली चोटें आई हैं, अब तक यही जानकारी, जो भी इन वाहनों में सवार थे उन्हें अस्पताल भी ले जाया भी जा रहा है, पुलिस को सूचित किया गया है, पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है, और ऐसे में मोर्चा संभाल
है, आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो पहुंचे हैं, मदद के लिए आगे आया है, लेकिन टक्कर तेज थी। बताया गया कि अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से भी ये टक्कर होने की बात सामने आ रही है, कि पुलिस जब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी, जब बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही साफ होगा कि किस वजह से हुआ। लेकिन कहासुनी में भी ये एक्सीडेंट तब्दील हो रहा था, लेकिन जो लोग थे उनकी समझाइश के बाद वहां से कुछ माहौल को शांत करवाया गया और सभी व्यक्तियों को इतर भीतर किया गया, ताकि जो यातायात है वो सुचारू ढंग से चल सके। जाम की स्थिति एकाएक पैदा हुई थी, अचानक से लोगों को समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। सहकार मार्ग जो कि शांति के लिए, स्वच्छता के लिए भी पहचाना जाता है, सहकार मार्ग इलाके में अचानक एक के बाद एक 5 से 7 वाहन टकराए। हालांकि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ वो अभी तक साफ होना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि एकाएक ब्रेक लगाने से ये सभी वाहन आपस में जा टकराए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिएगा, और ये तस्वीरें जब सहकार मार्ग से आती हैं तो अधिक चौंकाती है, क्योंकि ये इलाका जहां यही कोशिश रहती है हर किसी की, और जो यातायात के नियम हैं उनके मद्देनज़र जानकर भी देखें तो फिर जिस तरह का इलाका ये है वहां पर गाड़ी की रफ्तार को कम ही रखें। और ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीरें इस मार्ग से अमूमन सामने नहीं आती है, और सहकार मार्ग जैसे बहते रोड पर जहाँ से कई मार्ग जुड़ते हैं आपस में, ये जो पूरा इलाका है वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आना चौंकाता है। लेकिन देखिएगा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त एक काली कार जो कि एसयूवी है, इसके आगे का हिस्सा हुआ, फिर पीछे एक कार जिसका आगे का हिस्सा जो दब गया है, चकनाचूर हुआ है। फिर ऐसे करके आप एक से एक के बाद एक अपनी नजर को घुमाते जाइए और कारों को देखते जाइए। और चलिए जयपुर के सहकार मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है, कई वाहन आपस में भिड़े हैं, आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं सहकार मार्ग पर हुए बड़े हादसे की। एक कार हुई है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, यानी कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये कभी इस तरह से सड़कों पर दौड़ती हुई सीधी साधी और एकदम ठीक कार रही होगी, क्योंकि पहचान पाना मुश्किल हुआ है। देखिए आगे का हिस्सा दब चुका है बुरी तरह से, पर खच्चे कार के आगे के हिस्से के उड़े हैं। चलिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा लाइव जुड़े हैं। सत्यनारायण, चूंकि आप हमारे साथ लाइव हैं, मैं चाहूंगी मौजूदा स्थिति को आप दिखाइए और कितने वाहन कतार में हैं जो खड़े हुए हैं। शिखा देखिए, सबसे पहले ये जो वाहन है हम दिखाना चाहेंगे, ये वाहन है, इस वाहन चालक ने अचानक चलते हुए ब्रेक लगाए थे, इस वाहन चालक ने ब्रेक लगाए, उसके बाद में इसके जो पीछे गाड़ी चल रही थी वो इसकी चपेट में आई और वो उसका डैमेज हुआ। उसके बाद में जो लगातार पीछे एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो लगातार ब्रेक लगाते हुए उनके सब में डैमेज हुआ। ये देखिए अभी भी जो यात्री बैठे हैं अंदर वो अभी घबराए हुए हैं, टैक्सी चालक हैं, ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं अंदर, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो काफ़ी घबराए हुए हैं, और क्योंकि वो जानते नहीं थे कि अचानक ऐसा दुर्घटना भी हो जाएगी। ये देखिए एक के बाद एक, ये देखिए ये भी टैक्सी चालक है, इसके भी अचानक यहाँ चोट लगी, लेकिन 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है शिखा। और राहत की बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई घायल नहीं हुआ, हल्के फुल्के चोटें जरूर आई है। हम आपको जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है वो भी दिखाएंगे जिस प्रकार से ये घटना हुआ, क्योंकि सबसे जो आगे गाड़ी चल रही थी उसने बताया कि मुझे लगा कि अचानक कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गया और मैंने इसीलिए सड़क के बीचों बीच तेज गति के अंदर रहते हुए भी गाड़ी में ब्रेक लगा दिए। ये देखिए पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है और लोगों से समझाइश की जा रही है जिससे कि आपस में झगड़ा ना करें। चूँकि 5 टैक्सी गाड़ियां हैं, 2 अन्य गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों को साइड में किया गया है और जो यातायात बाधित हुआ था उसको सुचारू वापस एक बार से करवाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है वार्तालाप करने की और जिससे कि कुछ घटना को अधिक खराब होने से रोका जा सके। ये देखिए ये जो गाड़ी थी तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है शिखा, यानी कि पूर्ण रूप से ये गाड़ी डैमेज हुई है। हम दिखाना चाहेंगे आपको इसके जो एयर बैलून थे, ये देखिए एयर बैलून भी इसके अंदर खुल गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई घायल, अधिक घायल इसके अंदर कोई नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब निरीक्षण किया जाएगा, सूचना मिली थी कंट्रोल रूम को, उसके बाद में मिलती
लगातार एक के बाद एक सात गाड़ियां शिखा क्षतिग्रस्त हुई है। देखो पूरा जो गाड़ी थी ये पूरी गाड़ी डैमेज हो चुकी है। इस घटना के बाद में लोगों ने सूचना दी पुलिस को और फिलहाल पुलिस जो है मुकेर पहुंच चुकी है। हम बात भी करेंगे इनसे जो साहब, क्या कुछ सूचना है कमल सिंह जी, क्या कुछ सूचना है? वो सर सूचना आई थी कंट्रोल रूम से कि वह रोड पे तीन चार गाड़ियां भिड़ गई हैं अपने सहकार मार्ग पे। घायलों की सूचना नहीं हो? नहीं अभी घायल की तो नहीं, अभी देखो देख के बता देते हैं सर आपको, एक मिनट में ही बताते हैं। तो शिखा जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि घायल नहीं हुआ है, हालांकि क्षतिग्रस्त काफ़ी गाड़ियां हुई है, सात से आठ इन गाड़ियों की संख्या है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ब्रेक लगाए उसकी गाड़ी शिखा कुछ भी नहीं हुआ है और व्यक्ति उतर के यहाँ से फरार हो गया है। अब जिन गाड़ी मालक जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है उनको तलाशा जा रहा है जिससे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। शिखा बिल्कुल सत्यनारायण, और सहकार मार्ग का जो ये इलाका है इसी के पास कुछ ही मीटर की दूरी पर थाना भी मौजूद है, लेकिन सत्यनारायण ऐसे में आप बताइएगा कि फिलहाल वहां पर क्या यातायात को सुचारू कर दिया गया है, क्या जाम की स्थिति तो नहीं उत्पन्न हुई? देखिए पहले जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी एक बार, लेकिन क्रेन की मदद से जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको साइड में करवा दिया गया है और अब जाम की स्थिति को सही करा दिया गया है, यातायात सुचारू करा दिया गया है। पुलिस भी मुकर पहुंच चुकी है और अब जो मेन आरोपी था जिस व्यक्ति ने अचानक सड़क के बीचों बीच ब्रेक लगाए उसको तलाशा जा रहा है जिससे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। और ये जो गाड़ी थी ये देखिए पूरा यातायात जो है यातायात सही हो चुका है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं जिसने सबसे पहले ब्रेक लगाए। हालांकि घटना के अंदर कोई घायल नहीं हुआ, शिकायत रात की बात है, घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए एक के बाद एक गाड़ी क्षतिग्रस्त होती चली गई और उसके बाद के अंदर वो जो व्यक्ति था जिसने सड़क के बीचों बीच ब्रेक लगाए वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है। शिका सत्यनारायण, अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या किसी पर अभी तक FIR दर्ज होने की सूचना भी आपको मिल रही है क्या? शिका देखिए चूंकि हादसा हुए करीबन 20 मिनट हुआ है तो इतनी जल्दी FIR नहीं होती है, क्योंकि अभी तो पुलिस का सूचना गई तो पुलिस मौके पर पहुंची है और जिस व्यक्ति ने अचानक बीचों बीच ब्रेक लगाए उस व्यक्ति को तलाश कर रही है जिससे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। हालांकि सभी अधिकांश इसमें टैक्सी ड्राइवर हैं जो शायद FIR के पटरी में पकड़ना नहीं चाहती, ऐसे में जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों ने हादसा देखा उस व्यक्ति को तलाश किया जा रहा है जिससे कि उसके बयानों के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सके और घटना की जांच की जा सके। हालांकि रात की बात है शिखा कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई घायल नहीं हुआ है, गाड़ियां जरूर क्षतिग्रस्त हुई है और ये देखिए अधिकारी अब घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं, गाड़ी नंबर यहां पर नोट किए जा रहे हैं जिससे कि जिस व्यक्ति ने ये घटना कारित करी है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ब्रेक लगाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। हालांकि क्योंकि जनता काफ़ी क्रोधित थी, क्रोध में गुस्से में थी, तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने ये ब्रेक लगाए थे वो व्यक्ति अचानक वहाँ से गाड़ी से उतरकर वो कहीं फरार हो गया और अब पुलिस उस गाड़ी के आधार पर उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने सबसे पहले देखिए RA07CA5393 इसका नंबर है सबसे पहले तेज गति में चलती है तो उसने क्या कुछ कारण रहा वो तो उसको गिरफ्तार होने का पता चल जाएगा, लेकिन राहत की बात शिका ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई व्यक्ति ज्यादा चोटिल नहीं हुआ है। जी ठीक है सत्यनारायण, लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी दीजिएगा कि कार में कितने युवक युवती या फिर कितने बच्चे सवार थे, अगर इन तमाम वाहनों की ही अगर हम बात करें तो जो हादसे का शिकार हुए। अधिकांश गाड़ियां थी वो टैक्सी वाहन थे, करीबन चार जो टैक्सी वाहन हैं उनके अंदर सवारियां सवार थी, कोई अपने बच्चों को घर लेके जा रहा था, कोई एयरपोर्ट जाना था किसी को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना था, लेकिन इस घटना के बाद सभी एकदम से दहशत में आए क्योंकि एक के बाद एक ये गाड़ी टकराई है। फिलहाल सभी जो सवारियां थी वो उतर के यहाँ से जा चुकी है, सारी गाड़ियां खाली है। शिखा हम दिखाना चाहेंगे आपको कि देखो सारी जो गाड़ियां हैं वो अब खाली हैं, यहाँ पर ये टैक्सी गाड़ियां हैं जो कि टैक्सी में चलती है और अब जब यह हादसा हुआ तो इनकी सवारियां उतरकर दूसरे वाहन के जरिए अब वो यहां से रवाना हो गए हैं शिखा, और अब पुलिस मुकेर पहुंच चुकी है तो उस व्यक्ति को तलाश की जा रही है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ब्रेक लगाए, जिस व्यक्ति के कारण इतने बड़े हादसे हुए हैं और उसकी जांच की जा रही है शिखा। सत्यनारायण, क्या सभी घायलों को या फिर जिन्हें हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका है क्या? जी
बिल्कुल शिकायत जिस गाड़ी में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है गाड़ी, उस व्यक्ति को चोटें आई है। हालांकि एयरबैग खुल गए थे, इसकी वजह से कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन चोटें तो आई है शिखा। राहत की बात है कि ज़्यादा चोटें नहीं आई, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और अब जाके यहाँ पर शांति का माहौल है। यातायात जो अबाधित हुआ था वो यातायात सुचारू हो गया है और पुलिस भी इस मामले की जाँच कर रही है। जो व्यक्ति यहाँ से फरार है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ब्रेक लगाए, उसकी तलाश की जा रही है, जिससे कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।